कोई तमीज नहीं है, ऊपर से देख के तो आप भी चल सकती है ना। बदतमीज कहीं की। ओए बदतमीज कुनु बोलिया, तन्ने कम वास्ते आई हां, वरना हुणे दस दी तैनु। तुझे बोला और किसे बोलूंगी। जी हमें अपने भाई की शादी के लिए हॉल बुक करना है। जी कब का बुक करना है? 30 जुलाई। जी दोनों में से कोई एक ही बुक कर सकता है। भैया पहले मैं आई थी ना, तो आप मेरे लिए हॉल बुक कर दो। हाँ हाँ, सीधा पागल बैठे हैं आप। हाँ? पता नहीं क्या समझते हैं ये पंजाबी खुद को। ओए पंजाब में कुछ ना बोली। अबे चल हिड़म्बा सी शक्ल की। क्या हुआ, पंजाबन का खून ठंडा हो गया? ओए बस कर बहन जी, आप सीधा करके दिखाओ। छोड़ देख तू पंजाब की शेरनी का जलवा। बंगाली गर्ल भी ना किसी से कम नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को 1.5 लाख लाइक कर दो। अब आप लाइक पंजाबी गर्ल के लिए करते हो या बंगाली गर्ल के लिए, आपकी मर्जी है, पर 1 लाइक तो बनता है ना। मेकअप लुक क्रिएट करना तो बहुत इजी है। सब तो पहले मैंने लगाया है प्राइमर। तो भाई मेरे डार्क सर्कल तो आप देख ही सकते हो, तो मैंने तब पर के कंसीलर लगाया सी। और हाँ, मेरी पंजाबी नु जज ना करी, भाई टूटी फूटी जैसी भी आती है बोल लेवांगी। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैंने कर दिया अपना आई मेकअप शुरू। तो सब तो पहले लिता एक लाइट आई शेडो, लगा लिता अपनी क्रीज पे। ओदे बाद लगा लेता डार्क ब्राउन आई शेडो। ते ओदे बाद कर लेता अच्छे से ब्लेंड। तो भाई सूट से मैचिंग करते हुए मैंने ले लेता ये कलरफुल आई शेडो। ओदे बाद कट क्रीज करन वास्ते मैंने लगा लेता है ब्लैक आई शेडो। क्रीज तक कर ली मैंने ब्लैक, पर लिड ता मैनु गोल्डन ही चाहिदी है। अब लिड है मेरी छोटी, ते अगर आपकी लिड भी छोटी है ना, ते मेरे मेकअप स्टेप फॉलो कर लो। तो ऐस तरह लगाया लिड पे कंसीलर, ते ओदे ऊपर लगा लिया गोल्डन ग्लिटर। ते गर्मी चो काजल बह जांदा है, ते मैंने लगा लिता आईशैडो एज अ काजल। ते डिफरेंट लुक देन वास्ते बना दिए गोल्डन लाइन। मेरी काली अखां नु और कटीला करन वास्ते मैंने लगा लिता है लाइनर। ते फिर आईब्रो नु बढ़िया से शेप देते हुए सेट कर लेंगे। और हाँ, आईब्रो नु रियल दिखाना है ते स्पूली यूज करना ना भूले। ते अखां नु और अट्रैक्टिव बनान वास्ते मैंने लगा लिती लैशेस। और हाँ, लैशेस नु आराम नाल सेट करी, आई मेकअप बिगड़ ना जाए। एक बात जरूर याद रखी, मस्कारा लैशेस ते बाद ही लगाएं, ताकि असली ते नकली लैशेस अच्छे से मिक्स हो जाए। आई मेकअप ते हो गया डन, तो चलो शुरू करते हैं फेस मेकअप। मेकअप करने वास्ते सब तो पहले लगावांगे कंसीलर। अब जहाँ जहाँ तुम्हारे फेस पे डार्क स्पॉट से बस कंसीलर लगा के ब्लेंड कर लो। ओदे बाद लगा लेंगे फाउंडेशन, ते ओना भी चंगे नाल ब्लेंड कर लेंगे। और हाँ, नेक तो फाउंडेशन लगाना ना भूली। बस ओदे बाद अपने मेकअप नु लूज पाउडर से चंगे नाल सेट कर लेंगे। अब असी ता है पंजाबी, ते मोटे मोटे है गल्ला, ते ओनु शेप देन वास्ते मैंने कर ली था कंटूरिंग। और हाँ, ओदे बाद कॉन्टोर नु चंगे नाल सेट करना ना भूले, ते साथ ही साथ नोज कॉन्टोर भी कर लेती, ताकि किसी नु पता ना चले। अब गल्ला नु टमाटर जदो लाल लाल दिखान वास्ते लगा लेता ब्लश। ब्लश ते लगा लेता पर मजा नहीं आया। हाँ, हाइलाइटर ते लगाया नहीं, तो चलो हाइलाइटर भी लगा लेते हैं।
भाई मैं तो थक गई है पंजाबी से, तो तुसी ना खुद ही देख लो मैंने किस तरह हाइलाइटर लगाया है। भाई मेकअप कितना ही कर लो, जब तक होंठ गुलाबी ना होए ना मुंडे देखते ही नहीं है। ते हुण असी लगावांगे लिपस्टिक, और हाँ लिपस्टिक नु ध्यान ना लगाई परफेक्ट शेप देना भी तो जरूरी है ना। तो यहाँ होती है मेरी पंजाबी और मेरा मेकअप दोनों ही खत्म। बस मैंने कर लिया मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को अच्छे से फिक्स, अब मैं तो चली अपना जलवा बिखेरने। हाँ, वही करो। बहन जी, अदले का बदला। मेरा मतलब करके दिखाओ। रुको, अब दिखाती हूँ बंगालन का जलवा। आईब्रो से तो भाई आईब्रो भी तो अच्छा दिखना चाहिए, इससे आई मेकअप एकदम क्लीन दिखेगा। फिर लगे छी कंसीलर। कंसीलर लगाने से आई शेडो कलर पॉप होबे। आमी ई ब्लेंड कर छे स्लोली स्लोली। फिर आमी ई लाल आई शेडो क्रीज पर लगाबे और ब्लेंड ब्लेंड करबे। आमी जो कंसीलर बेस पे लगाया था ना, सेम कंसीलर लिड पे लगा के कट क्रीज बना बो। अब कंसीलर लिड पे लगा कर नीटली स्प्रेड कर बो। अब टिश्यू से कंसीलर को ब्लॉट ब्लॉट कर बो, ताकि जब इसके ऊपर ग्लिटर आए तो वो एक जगह इकट्ठा ना हो और अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और अब ये बंगाली भूल गई। बस अपनी लिड को अब ग्लिटर आई शेडो से भर बे। अब एक डार्क आई शेडो को आउटर कॉर्नर पे लेके ब्लेंड ब्लेंड कर बो। अरे मेरी बंगाली पे मत जाना, क्रीज शेडो को ब्लेंड कर लो ताकि आपकी आंखों में एक डेप्थ आ जाए। अब काजल और लाइनर के बिना बंगाली मेकअप कंप्लीट हो सकता है क्या? तो लगा लिया मैंने काजल और लाइनर। अब आमी बंगाली रसगुल्ला के माफी आंखें गोल गोल बना बे। तो मैंने ये ब्लैक आई शेडो लेके कर दिया काजल को स्मज। अब भाई कहते हैं जिसने प्राइम नहीं किया उसने तो कर दिया है क्राइम, तो जल्दी से मैं प्राइमर लगा लूंगी क्योंकि नहीं कर रहा है मुझे कोई भी क्राइम। चलो अपनी बंगाली पे वापस आ जाते हैं। तो अब डॉट डॉट करके फाउंडेशन लगा बे, आनी ब्लेंड कर बे। तुम्ही नेक एरिया ना भूली जाबो, वहाँ पन ब्लेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट हो बे। डार्क सर्कल वाली बंगाली लड़की सुंदर ना लाग बे, तो कंसील कर लो भाई अंडर आई पे जल्दी जल्दी। कंसीलर तो हो गया, पाउडर से बेक करो क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो बेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक अंडर आई बेक हो बे, मी पूरा फेस पर पाउडर पोत बे। बेक तो होई गाचे, तो पाउडर रिमूव कौन कर बे? आमी कर बे। अब गालों पे लाली के बिना ना बंगाली लड़की भी अधूरी है, तो लगा लिया मैंने जल्दी से गालों पे ब्लश। अब मैंने डबल चिन भी छुपाई लिया। क्या आप लोगों को भी लगता है कि मेरे डबल चिन आ गया है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। बंगाली लड़की और गालों में ग्लो ही नहीं, ये बात तो हजम ही नहीं हो रही। तो जल्दी से फेस के हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटर लगा लेते हैं। बंगाली लड़की की तो खासियत होती है बड़ी आंखें, तो बस फॉल्स लैशेस और मस्कारा लगाकर देखो लग रही है कितनी बड़ी आंखें। इतना बढ़िया मेकअप और बिना लिपस्टिक के? नहीं नहीं नहीं, तो मैंने लिप्स को शेप देके लगा लिया एक रेड बोल्ड लिपस्टिक। अरे अरे आप लोगों ने मुझे बंगाली तो भुला ही दिया, तो चलो लॉल लॉल लिपस्टिक लगा बे।
मेकअप फिक्सर से फिक्स कॉर्बे आनी लुक कंप्लीट कॉर्बे। अब चाहे मेकअप पंजाबी हो या बंगाली हो, हैं तो हम एक ही ना। ओ तेरी, तुहाडा मेकअप तो बहुत ही वधिया है। आपका भी? यार सच्ची दसा, मैनू तो बंगाली मेकअप ते कपड़े बहुत पसंद है और मुझे भी पंजाबी लुक बहुत पसंद है। अरे मैम, किसके नाम पे बुक होगा? मेरा ना पहला मैं करी। पहले मैं? पहला मैं करी। मैं बोली ना, पहले मैं करी। पहले मैं आई थी। मैं करी। मैं करी। मैं। वीडियो खत्म। पर उस तो पहले वीडियो नू लाइक ते चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और ते सस्त्री अकाल।